अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रा के ऊपर बात करेंगे। अलजेब्रा में आपके पास जो बेसिक टूल्स हैं जिसके अंदर आपके पास एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन, ये दो चीज़ें आती हैं। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक्सपेंशन में और फैक्टराइजेशन में क्या फ़र्क है। सो हियर वी गो। तो आपके पास दो बेसिक टूल्स हैं, एक आपके पास आता है एक्सपेंशन और एक आपके पास आता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कुछ लोग जी से लिखते हैं, कुछ लोग एस से लिखते हैं, दैट डजंट मैटर। ओके, एक्सपेंशन में और फैक्टराइजेशन में जो की डिफरेंस है, मैं बुकिश डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको एक की डिफरेंस बताऊंगा। एक्सपेंशन में यू बेसिकली रिमूव द ब्रैकेट्स और फैक्टराइजेशन में यू introduce the brackets। अब ये देखें, ये बड़ा एक important, मैंने आपको key difference बता दिया। Expansion में आपने brackets को हटा देना, गायब करना है। Factorization में आपने brackets को introduce करवा देना है। तो आज हम start लेंगे expansion से कि expansion क्या होता है। So let's just talk about expansion, क्या आपने करना कैसे। एक्सपेंशन कि आपने इसको एक्सपैंड करना है, यानी रिमेंबर ऊपर जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई उसको याद रखना है, रिमूव द ब्रैकेट्स। बिल्कुल हम एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट लेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स इंटू एक्स प्लस 4, ये आपके पास एक क्वेश्चन है और एग्जामिनर ऊपर कमांड वर्ड यूज करता है एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। कमांड वर्ड्स के ऊपर आपने ध्यान से सुनना है, इसका जब भी क्वेश्चन आएगा आपको लिखा हुआ आएगा एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो देखने में आपने क्वेश्चन को देख के नहीं आपने गेस करना कि तो मुझे एक्सपेंशन करनी है या तो मुझे फैक्टराइजेशन करनी है। कुछ क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं हाफ एक्सपैंडेड होते हैं, वहाँ से आप उनको फर्दर एक्सपैंड भी कर सकते हैं और आप उनको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। इसलिए आपने कमांड वर्ड के ऊपर जो है ना वो लाजमी ध्यान रखना है, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। सो लेट्स जस्ट गो बैक हियर। व्हाट इज एक्सपेंशन? Removal of the brackets. So, यहाँ पे जब आपको दो ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं, we are going to remove these two brackets. अच्छा, अब कैसे इनको रिमूव करना है? सिंपल एक्सपेंशन है, आपने यहाँ पे इस x को पहले इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इसी x को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। So, let's just do. तो सबसे पहले x into x, law of indices लगेगा, x की पावर m प्लस x की पावर, अच्छा सॉरी, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। लॉ ऑफ इंडिसेस क्या है? जब मल्टीप्लीकेशन हो रही है, बेसिस सेम है तो पावर्स आप ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे x की पावर m प्लस n, यहाँ पे दोनों की पावर्स 1 है तो ये x की पावर 2 हो जाएगी, जिसको हम एक्स स्क्वायर बोलते हैं। तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब x को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास एक सिंपल केस था एक्सपेंशन का। तो अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं, x इंटू एक्स माइनस 4। आई गिव यू अ मोमेंट कि आप उसको देखें कैसे एक्सपेंड करेंगे, फिर मैं आपको इसको एक्सपेंड करके दिखाता हूं। ओके, तो अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो किस तरीके से? बिल्कुल उसी तरीके से, इस x को पहले इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी x को फिर हम इस माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x आपके पास आ जाएगा। सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल केस। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ केस ऑफ एक्सपेंशन, जिसके अंदर आपके पास दो फैक्टर्स होंगे और दोनों फैक्टर्स की दो दो टर्म्स होंगी। यहाँ पे ऊपर आपके पास इन क्वेश्चन को अगर आप देखें दो ही फैक्टर्स हैं, बट इस फैक्टर में आपके पास यू हैव गॉट जस्ट वन टर्म और इस फैक्टर में आपके पास दो टर्म्स हैं, एक x है और एक माइनस 4 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5। अब एग्जामिनर आपको कहता है कि इनको आपने एक्सपैंड करना है, तो लेट्स सी कि हम इसको कैसे एक्सपैंड करते हैं। अब इसका आसान तरीका क्या है कि पहले फैक्टर में, यहाँ पे आप देखें आपके पास दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर कंप्लीट है आपके पास x माइनस 7, दूसरा कंप्लीट फैक्टर है आपके पास x प्लस 5। सो वी हैव टू गेट रिड ऑफ द ब्रैकेट्स हियर। तो अब इसको करने के लिए आपने क्या करना है, जो पहले फैक्टर की जो पहली टर्म है विच इज जस्ट x, उसको आपने इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू राइट x इंटू एक्स प्लस 5। दोबारा देखिए कि हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने इस x को
इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, सो x इंटू एक्स प्लस फाइव आ गया यहाँ पे। अब अगली टर्म क्या है यहाँ पे, नेगेटिव सेवन, सो द नेक्स्ट टर्म इज माइनस सेवन। तो अब आपने माइनस सेवन को जो आपके पास अगेन जो वही वाला फैक्टर है नेक्स्ट x प्लस फाइव के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये अब आप जरा ध्यान से इसको देखें, ये आपके पास वापस पहला केस जो हमने किया था बिल्कुल सिंपल केस के एक फैक्टर में एक टर्म है दूसरे फैक्टर में दो टर्म्स हैं वही चीज़ बन गई है। तो यहाँ पे अगर आप ये पहली इस पार्ट को देखें तो एक पहला फैक्टर एक टर्म और आगे अगला फैक्टर उसमें दो टर्म्स, तो बिल्कुल उसी तरीके से अब आपने करना है इस एक्स को पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर्ड आ गए, फिर आपने इस एक्स को फाइव के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास फाइव एक्स आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से माइनस सेवन एक्स, साइंस का लाजमी ध्यान रखना है, then then minus 7 into plus 5 would give you minus 35. Now group the like terms, like terms are already grouped here, तो ये आपके पास एक group है like terms का, so plus 5x minus 7x, this will give you minus 2x, so x squared minus 2x minus 35. So this is how you do the expansion part, I hope you understood this. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एक्सपेंशन के कुछ स्पेशल केसेस जिसके अंदर आपके पास स्पेशल फैक्टर्स आ जाते हैं। मैं आपको जस्ट क्विक रिव्यू दे देता हूं कि अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फैक्टर है x प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव, हाँ एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव, दो एक जैसे फैक्टर्स हैं, इसको सिंपल x प्लस फाइव होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। इसको आप इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल इस मेथड से जो कि मैंने अभी बिल्कुल रिसेंटली बताया इससे तो आप डेफिनेटली एक्सपैंड कर सकते हैं, बट ये एक स्पेशल केस है इसके लिए हम एक स्पेशल मेथड सीखेंगे जिसको आप अल्जेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।